मार 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 मैं रुबीना वीडियो से भी जा रहे। तो गाइस अगेन ये एक है व्लॉग वीडियो और थोड़ा सा ये व्लॉग वीडियो स्पेशल है। फिलहाल मैं जा रही हूँ पैसिफिक मॉल, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ पूरा व्लॉग। एक्चुअली थोड़ा सा गुड न्यूज़ था कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है फ्रॉम माई वर्क। एक्चुअली फर्स्ट पेमेंट नहीं है, ये मेरी सेकंड पेमेंट है। एक्चुअली फर्स्ट पेमेंट तो मेरी कुछ और थी, 180 रुपीज़। ओ माई गॉड, जब मेरी फर्स्ट पेमेंट वो आई थी ना, तब तो जब जैसे ही मेरे फ़ोन में मैसेज ब्लिंक किया ना, टक, ओ माई गॉड, मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि मैं कितनी खुश थी उस टाइम। बट दिस इज़ माई सेकेंड पेमेंट, 1000 रुपीज़ मेरी पेमेंट है फ्रॉम माई वर्क, नॉट यूट्यूब पेमेंट, ये मेरे वर्क पेमेंट है। तो थोड़ा सा मैंने फैमिली ने बोला भैया पार्टी दो, अगर आपका पेमेंट आया तो ऑफकोर्स पार्टी तो बनती है। एंड मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि कैसे मैंने इस डे को इन्जॉय किया। पूरा मॉल घूमेंगे, खाना पीना जो भी होता है, जैसे भी शॉपिंग वॉपिंग भी करनी थोड़ी बहुत, क्योंकि ऑफकोर्स विंटर आ गया है। और मैं रेडी हुई हूँ ये वाइट टी शर्ट के साथ, बेसिक टी शर्ट है एंड ये जैकेट, क्योंकि दिल्ली में बहुत सर्दी आएगी, बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, मुझे तो वैसे बहुत ठंड लगती है। एंड या मैं रेडी हूँ, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग सारा शेयर करूँगी। एंड मैं बहुत खुश हूँ आज, आई डोंट नो क्यों खुश हूँ, बट खुश हूँ। फटाफट से निकल लेते हैं, मैं रेडी हूँ, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही रेडी हूँ। और चलिए मिलते हैं आपको हम पैसिफिक मॉल। फन जोन भी जाएंगे, वहाँ पे भी थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे। ओ माय गॉड, पता नहीं मुझे आज क्या हो रहा है यार, इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ। जब से मेरा पेमेंट आया ना, जब से ऑनलाइन पेमेंट आया, ऑनलाइन या सॉरी कैश पेमेंट आया था, तो जब से पेमेंट आया ना, तब से मैं मतलब यार खुद का कमाया पैसा तो खुद का होता। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक खुद का कोई खास पैसा कमाया नहीं था, ये मतलब मैंने खुद कमाया है तो मेहनत से, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे वो खुशी, हाँ हालांकि थोड़ी सी थकी हुई भी हूँ बट खुश हूँ। तो लेट गेट द स्टार्ट। तो गाइज मैं जा रही हूँ पैसिफिक मॉल, तो दिन के 3 से 4 बज रहे हैं, हाँ 3-4 बज रहे थे, और सामने आ गया है पैसिफिक मॉल। एंट्री हम लोगों ने कर ली है, पार्किंग में गाड़ी पार्क करेंगे उसके बाद एंट्री करेंगे। अचानक से दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो गई है, और सर्दियों की वजह से ना मतलब बाहर निकलने का उतना मन नहीं करता है, मन करता है बस घर पे रहो, खाओ पियो और मस्त रहो। तो हम जो इधर हम साइड पार्किंग वाली साइड से आए थे, तो हम अब सामने से जा रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं जो पैसिफिक मॉल का जो सारा एंट्री गेट है ना, जो मेन एंट्री गेट है, वो एंट्री करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा ना ये प्ले जोन बना हुआ है छोटे बच्चों के लिए। ये इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे राइड्स हैं और बहुत सारे गेम्स हैं, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए हैं। और यहाँ का जो टिकट्स है वो 150 to 250 तक है, सबसे महंगा जो राइड है वो 250 का है, उससे महंगा राइड यहाँ पर कोई है नहीं। ये यहाँ पर इस तरीके से प्लेन वाला राइड्स या बॉल्स या कुछ इस तरीके से, उधर जो नाव वाला राइड्स होता है वो है, और ये जंपिंग था। मैंने पूछा था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, बट उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला सिर्फ यहाँ पर बच्चे ही कर सकते हैं। तो फिर मैं आ गई थी बाहर। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच गई पैसिफिक मॉल, तो सामने है एंट्री गेट। एंड तो गाइस मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ एंट्री गेट पैसिफिक मॉल का। एंड आप ये है एंट्री गेट, सामने नायरा का शोरूम है जहाँ पर फिलहाल तो मैं जाऊँगी नहीं। एंड चलिए एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ से हो गई है हमारी एंट्री, और यहाँ पे सामने स्टारबक्स, और मेरा सपना है मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी पीऊँ, पर पता नहीं वो सपना कब पूरा होगा। चलो सपने को रख देते हैं साइड और चल लेते हैं अंदर। तो अंदर आप देख सकते हैं ये हमारा एंट्री के बाद ये पूरा फ्लोर खाली पड़ा है, सामने लाइफस्टाइल है एंड यहाँ पे कोई आउटलेट नहीं लगा हुआ है। नहीं नहीं, नहीं यार, आइकॉनिक ने अपना आउटलेट लगाया हुआ है। आप गाइस ये है ग्राउंड, तो गाइस ये है ग्राउंड फ्लोर एंड मैं जा रही हूँ सेकंड फ्लोर, क्योंकि हमारा जो प्ले जोन है वो सेकंड फ्लोर पे है, और फिलहाल मेरा मूड वहीं पे जाने का है। शॉपिंग पे देखते हैं, खाना पीना भी सेकंड फ्लोर पे है, तो बाकी वो सब भी वहीं हो जाएगा। एंड पहले वहाँ चल लेते हैं। आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है क्योंकि वीकडेज चल रहा है, तो चलते हैं। ब्लॉगिंग करना दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है ना, पब्लिकली कैमरा पकड़ना एंड पब्लिकली लोग देखते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं यार, क्यों देखते हैं। एनीवेज तो फाइनली गाइज हम जा रहे थे
प्ले जोन सेकंड फ्लोर पे जो है, और वो पहुंच गए थे हम प्ले जोन। यहाँ पे आपको एक कार्ड खरीदना पड़ता है, मतलब आपको जैसे एटीएम कार्ड होता है ना वैसे कार्ड होता है, और उसके अंदर आपको अपना पैसा डलवाना होता है। और जब भी आपको कोई गेम खेलना हो तो आपको इस तरीके से उस गेम के पास में एक स्वाइप का मशीन होता है, वहाँ पे स्वाइप कर देना है, वहाँ से उतना अमाउंट कट जाएगा जितने का वो गेम होगा। तो मैंने ये वाला गेम खेला था और काफ़ी मज़ा आया था मुझे, बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मैं पहले आती थी गेम जोन तो मैं नहीं खेलती थी गेम, सिर्फ देखती थी और चली जाती थी। बट आज मैंने गेम खेला था और सच बताऊँ ना इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, मेरा मन ही नहीं गया यहाँ से जाने का। और मैं बार बार एक ही गेम पे अटक गई थी, इसी को खेले जा रही थी खेले जा रही थी। मैंने 5-6 बार कार्ड स्वाइप किया और 5-6 बार मैंने ये गेम खेला, और मैं ये भूल भी गई थी कि बाकी भी और बहुत सारे गेम हैं, मुझे वो भी खेल लें। बट मैं यहीं पर अटकी रह गई थी और काफ़ी मज़ा आया, देख सकते हो। और मैं कितनी बार खेला और मैंने यहाँ से कॉइन भी मतलब जीते थे। वो कॉइन जीतने के बाद आपको कॉइन मिलते हैं, आप चाहो तो उनको अपने कार्ड के अंदर एंटर करवा सकते हो। तो मैंने आई थिंक यहाँ से 34 कॉइन्स मैंने यहाँ पर जीते थे, तो मैंने कार्ड में एंटर करवा लिए थे। इसके अलावा भी यहाँ पे गाइस बहुत सारे गेम थे, आप देख सकते हैं। ये वाला जो गेम है ना, ये आपके पिस्टल में से एक गेम था उसमें से पानी निकलता था, इस वाले में नहीं निकल रहा, वो वाला मैंने खेला था। ये तो ये भी काफ़ी मज़ेदार गेम था, ये भी मैंने 2 बार खेला, हाँ 2 बार मैंने खेला। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, और मन करता था बार बार कार्ड स्वाइप करती थी, बार बार खेलती थी, फिर कार्ड स्वाइप करती थी, फिर खेलती थी, मन ही नहीं करता था दूसरे गेम तक जाने का। ये भी मैंने काफ़ी देर खेला था, बहुत मज़ा आया था गाइज। प्ले जोन में अगर आप गेम के लवर हो ना, तो आप गेम लवर हो तो आपको ज़रूर यहाँ पे डेफिनेटली आना चाहिए। तो ये देखिए मैं पानी वाला जो बता रही थी वो ये रहा, पिस्टल से पानी निकलता है, सामने स्क्रीन पे जाता है, आग लगी हुई है स्क्रीन पर, आप पानी डालोगे बुझ जाएगी। तो ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम था जो मैंने खेला था, और मुझे मतलब मैं गेम लवर नहीं हूँ फिर भी मुझे यहाँ आकर ना बहुत मज़ा आया, बहुत मतलब पैसे वसूल हो गए सारे जितने भी थे ना, 2 घंटे कहाँ बीत गए पता भी नहीं चला। और ये बाकी बहुत सारे गेम्स हैं यहाँ से, आप इनको विन कर सकते हैं, ये टेडी विन कर सकते हैं, टेबल टेनिस है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग गेम हैं जिनके नाम भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं गेम लवर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। और ये देखिए मैंने इतने सारे कॉइन विन किए थे और मैं काउंटर पर ले गई थी इनको कैश करवाने के लिए, तो काउंटर्स पर बोला कि मैम आप वेंडिंग मशीन से इस तरीके से वहाँ पे डालिए और आपके कार्ड को एंटर कीजिए तो आपको निकल जाएगी। तो बाकी लोग यहाँ पे कर रहे थे तो मैंने उन्हीं का वीडियो बना लिया, ये देखो छोटे छोटे बच्चे वगैरह हैं तो इस तरीके से डाल रहे थे, और वहाँ पे आपका जो कार्ड है ना उसमें आप वहाँ पे टच करोगे तो उसमें आपका आ जाएगा सारा जितना भी पैसा है वो सारा आ जाएगा। तो वो मैंने भी किया था, सारे पैसे आ गए थे। एंड फाइनली अब मैं ना ये वाला गेम खेल रही थी, आप हथौड़ा मारते हो तो आपके अंदर कितनी ताकत है, तो बार बार मार रही थी, बार बार मार रही थी, और मतलब बहुत शर्म वाली बात है कि अभी आप स्कोर देखोगे ना जितनी मैं लगती हूँ ना आपको मोटी तगड़ी उतना तो नहीं आया। एंड फाइनली फिर हम वहाँ से निकल के 99 स्टोर पे चले गए थे। मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें लेनी थी, मुझे अपनी वीडियोस के लिए एक मिरर लेना था, और थोड़े छोटा मोटा बैकग्राउंड के लिए फैंसी आइटम्स लेने थे, और स्टूल लेना था। तो स्टूल तो यहाँ पे काफ़ी महंगा था, 1500 रुपये का था, 99 के स्टोर में 1500 रुपये का स्टूल, ओह माय गॉड। तो कुछ कप्स थे तो मैंने यहाँ से 2 कप्स लिए थे वाइट कलर के, या और मैं ये सामने मिरर में अपने आप को देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने पिंक जैकेट पहना हुआ था और आप देख सकते हैं ये मार्केट 99। और उसके बाद ज़्यादा देर भूख लगने लग गई थी तो मैम फिर सेकंड फ्लोर पे चली गई थी, तो मैं जा रही हूँ अपने सेकंड फ्लोर पर, भूख लग रही है कुछ खा पी लेंगे। बहुत ज़्यादा यार, 2-2.5 घंटे तो हमारे प्ले जोन में ही बर्बाद हो गए, पता भी नहीं चला यार इतनी जल्दी टाइम निकल गया। बहुत भूख लग रही है गाइस, थक गए 2.5 घंटे हो गए। प्ले जोन में काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा था यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था प्ले जोन। एंड अब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाएंगे, देखते हैं ऑप्शन, घर पे भी कुछ बनाने का सोचा है तो यहाँ पे थोड़ा कुछ खाएंगे नहीं, हल्का फुल्का ही खाएंगे। एंड लेट्स सी क्या होता है, उसके बाद वेट करें, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था ये बर्गर किंग से, और फ्रेंच फ्राई एंड कोल्ड ड्रिंक मेरा यहाँ पे फिक्स होता है, मैं यही ऑर्डर करती हूँ और यही खाती हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं खाती क्योंकि घर जाके भी हमारा प्लान था कुछ मटन वगैरह बनाने का, तो ज़्यादा हैवी नहीं किया।
और आप मेरी स्पीड देख के बता सकते हैं, खाने का तरीका देख के बता सकते हैं कि मैं कितनी भूखी थी ना। और खा पी कर अब हम निकल गए थे और बाहर हो गई थी रात, और रात हो गई थी। और उसके बाद मैं आपको वॉइस ओवर बता दूं कि इसके बाद मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था और स्विच ऑफ हो गया था, और तो मुझे तिलक नगर भी जाना था, तो मैं उसका शायद एक क्लिप ले पाई थी तिलक नगर। हाँ, मेरा फ़ोन तिलक नगर में गिरा था यहाँ पर, तो मुझे कैब लेना था, तो मैं ये कैब ले रही थी। मैंने ये पिंक वाला देखा था और एक ये ग्रे वाला भी देखा था, दोनों काफ़ी प्यारे लग रहे थे, बट फाइनली मैंने कौन सा पिक किया वो आप आगे मेरे व्लॉग में देख लेंगे। और उसके बाद रात हो गई थी, तो ये पैसिफिक मॉल से होते हुए हम लोग घर आ गए थे। ये रास्ते में लोग सो रहे हैं यार, सर्दियों में भी लोग रोड पे फुटपाथ पे सोते हैं, ओह माय गॉड। सो फाइनली गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ, और पैसिफिक से मैं चली गई थी तिलक नगर, क्योंकि मुझे तिलक नगर से रैंडम थोड़ा बहुत सामान खरीदना था। एंड वहाँ जाके मेरा फ़ोन अनफॉर्चुनेटली स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा फिर मैंने वहीं पे व्लॉगिंग स्टॉप कर दी थी। एंड अब मैंने कुछ रैंडम सा स्टफ जो वहाँ से बाय किया है तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ, मैंने वहाँ से क्या बाय किया। मुझे थोड़ा सा विंटर के लिए कैप वगैरह लेनी थी तो मैंने वो बाय की है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। गाइस ये कैप मैंने ली है वहाँ पे, यू कैन सी, मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। या तो 250 का कैप था ये, एंड काफ़ी ना, हाँ 250 था, एंड काफ़ी अच्छे प्राइस में था, एंड काफ़ी वार्म है। तो दिल्ली की सर्दी तो सब जानते हैं कि कितनी ख़तरनाक होती है, तो विदाउट कैप मेरी सर्दी तो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और इसके अलावा मैंने जो रेंडम स्टफ खरीदा मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये मैंने चोकर वहाँ से लिया है ब्लैक कलर का, ये मुझे एक आउटफिट में मेकअप शूट के लिए चाहिए था। यू कैन सी काफ़ी प्यारा है, एलिगेंट है, एंड काफ़ी प्रिटी लग रहा है, तो मैंने ये बाय किया है। जो है गाइज ये जूड़ा पिन या जूड़ा इस तरीके से, जूड़ा पिन नहीं सॉरी गाइज, ये है यहाँ पे इस तरीके से लगा लेते हैं कुछ भी चोट वोट गिर जाए के लिए, तो ये मुझे चाहिए था। मैंने अपना काम शुरू किया है अब, तो उसके लिए मुझे मेकअप शूट वगैरह के लिए मुझे मेकअप वगैरह के लिए इस तरीके का चाहिए था, तो ये मैंने बाय किया। एंड ये 120 रुपीज़ का था, हाँ 120 का था। यहाँ पे से लिया है ये लट्टन फॉर माई लहंगा, मेरा जो लहंगा है मैं लहंगा बाय किया है उसके लिए मैंने ये लट्टन लिया है, और काफ़ी ब्यूटीफुल लट्टन है ये। आई थिंक एक 60 रुपीज़ में थे, हाँ ज़्यादा महंगे नहीं थे, बोले लाइट वेट है, मुझे ऐसे पसंद है, मुझे हैवी नहीं पसंद, तो मैंने ये बाय किया है। मैंने ये बाय किया था जूड़ा क्लिप, इस तरीके से ये लग जाता है, इस तरीके से किसी तरीके से लग जाता है, अभी मैं मुझे नहीं पता जूड़ा बना के बनाना। और ये लिया है मैंने 60 रुपीज़ में, काफ़ी प्यारा एंड एलिगेंट है। एंड इसी के साथ मैंने लिया है एक और ये इस तरीके से, यू कैन सी ये भी जूड़े के अंदर है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से लग जाएगा, एंड ये भी काफ़ी प्यारा है। एंड ये मैंने 40 रुपीज़ में लिया है, नहीं आप ये 50 ईच, हाँ 100 रुपीज़ मैंने दिए थे। तो बस यही बस रैंडम स्टफ मैंने वहाँ से बाय किया है। एंड आई होप मेरा पूरा व्लॉग आपको पसंद आएगा, मतलब मुझे भी बड़ा मज़ा आया गेम जोन में, तो मतलब मुझे खूब मज़ा आया क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही, मतलब मैं हमेशा जाती थी बस ऐसे घूम फिर के आ जाती थी, मैं कोई गेम वगैरह नहीं प्ले करती थी या खेलती थी, बट आज मैंने फुल एंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल मैं शायद खुश हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।